नमस्कार स्वागत है सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि बिहार में जिस प्रकार से शीतलहर एवं ठंड का प्रकोप बढ़ते जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बिहार के अलग अलग ज़िलों से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है या फिर जो भी गैर सरकारी एवं सरकारी स्कूल है उसमें कक्षा एक से लेकर आठ तक की जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उसको स्थगित रखे जाने के संबंध में अलग अलग ज़िलों से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को अलग अलग ज़िलों से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कब से लेकर कब तक जो आंगनबाड़ी केंद्र के जो गतिविधियां हैं उसको स्थगित रखी जाएंगी तो आज की ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथ ही साथ जो भी आंगनबाड़ी बहन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेटर प्राप्त हुआ है वो गोपालगंज जिला से प्राप्त हुआ है आपको अलग अलग जिलों की जो लेटर है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान में गोपालगंज जिला अंतर्गत लगातार शीतलहर एवं पाला एवं सर्द हवाओं के बने रहने के कारण सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के आवागमन में परेशानी एवं स्वास्थ्य पर कु प्रभाव पड़ने की संभावना के मद्देनजर मैं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो गोपालगंज जिले के डीएम हैं उनके द्वारा धारा एक के तहत संपूर्ण जिला में ये नियम लागू होने वाले हैं जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी अनुदानित एवं निजी विद्यालयों के वर्ग एक से लेकर आठ तक के बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियाँ दिनांक तीन एक दो से छः एक दो तक स्थगित रखी जाएगी यह आदेश शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा अर्थात तो वे ससमय उपस्थित रहकर विभाग द्वारा अन्य निर्देशों का अनुपालन ससमय करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए क्या कहा गया है जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी दिनांक तीन एक दो हज़ार बाईस से छः एक दो हज़ार बाईस तक बच्चों के शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रखी जाएगी उक्त अवधि में सेविका सहायिका उपस्थित रहकर आंगनबाड़ी केंद्रों के अन्य सभी गतिविधियां सुचारू रूप से की जाएगी यानी गोपालगंज जिला में तीन एक से लेकर छः एक दो हज़ार बाईस तक जो बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसको स्थगित रखी जाएगी सेविका सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र पर रहेंगी और जो आंगनबाड़ी केंद्र पर जो अन्य गतिविधियां हैं उसको सुचारू रूप से वो पालन करेंगी चलिए अब मैं आपको दूसरे जिले की खबर दिखाता हूँ और देखिए और अगला जो लेटर है वो सारण जिला से आ रही है जहाँ पर डी द्वारा ये आदेश आए हैं कि जिला अधिकारी सारण छापरा के आदेश ज्ञापांक दिनांक दो एक 2021 के आलोक में ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनांक पाँच एक दो तक शैक्षणिक कार्य बंद किया जाता है साथ ही सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को निर्देश दिया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे नामांकित बच्चों के बीच बारह बजे से दो बजे अपराहन में गर्म पका भोजन का वितरण करना सुनिश्चित करेंगी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छपरा जिला में पाँच एक दो हज़ार बाईस तक ही शैक्षणिक कार्य बंद किए जाएंगे साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि बारह बजे से दो बजे तक जो गर्म पका भोजन बच्चों के बीच वितरण किया जाता है सिर्फ वही वितरण होगा जैसे कि उसी समय बच्चों को बुलाना है और उनके बीच जो गर्म पका भोजन है वितरण करके उनका छुट्टी कर देना है तो अब मैं जो आपको अगले ज़िले की बात कर रहा हूँ जो पूर्णिया जिला है जिस जी जिले के जो डीएम हैं है उनके द्वारा क्या आदेश आए हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पत्र में लिखा गया है कि पूर्णिया जिला में पड़ रही कराके की ठंड एवं शीतलहर को देखते हुए मैं राहुल कुमार जिला दंडाधिकारी पूर्णिया की धारा एक के अधीन बच्चों के जीवन स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त यह आदेश निर्गत करता हूं कि दिनांक तीन एक दो हजार बाईस से लेकर आठ एक दो हजार बाईस तक पूर्णिया जिला सभी सरकारी गैर सरकारी निजी प्राथमिक विद्यालयों कक्षा एक से आठ में पठन पाठन का कार्य स्थगित रहेगा साथ ही ऐसे सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक अपने अपने विद्यालय में दैनिक कार्य पर उपस्थित रहेंगे देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कब तक ये नियम लागू होने वाले हैं पूर्णिया जिला में जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं तीन एक दो से आठ एक दो तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन केवल पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु किया जाएगा अन्य गतिविधियाँ बंद रहेंगी यह आदेश दो एक दो को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ निर्गत किया जाता है यहाँ पर नीचे देख सकते हैं पूर्णिया जिले के जो डीएम है उनके द्वारा ये हस्ताक्षर किया गया है तो जैसा कि हमने आपको दिखाया कि जो अलग अलग जिले हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के आदेश आए हुए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के जो शैक्षणिक योग्यता है उसको ठंड के हिसाब से उस जिले में वो नियम लागू होने वाले हैं और जैसे कि जो आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित रहेंगी और जो आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियां हैं शैक्षणिक गतिविधियां को छोड़कर बाकी सारी गतिविधियां आंगनबाड़ी केंद्रों पर किए जाएंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ज़िले में किस प्रकार से और कब तक आंगनबाड़ी केंद्रों के शैक्षणिक गतिविधियों को बंद रखे जाने के आदेश आए हैं तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद